स्ट्रॉन्ग फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग सा करते हैं, व्हाट रियली मोटिवेटेड यू टू यू नो बी पार्ट ऑफ दिस मैसेज? आई थिंक जब स्क्रिप्ट सुनी तो एकदम दिल छू जाने वाली स्क्रिप्ट थी. एंड एक्चुअली देखा जाए तो हमारे देश में ये समस्या है आज. मेरी 3 बच्चियाँ हैं तो मुझे मालूम है, एज अ मदर मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ. एंड ये फिल्म स्क्रिप्ट सुनने के दौरान ओनली यू नो आई गॉट सो इमोशनल एंड एक्चुअली रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा होता है. एंड अनफॉर्चुनेटली जो विक्टिम्स हैं उनको सही तरीके की जस्टिस नहीं मिलती है. और अगर आप देखें तो वायलेंस अगेंस्ट विमेन क्राइम ये बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, ये संख्या कम नहीं हो रही है. इवन दो वी ऑल आर मूविंग टूवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव न्यू इंडिया, पर समहाउ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि लोग शायद लॉ को सीरियसली नहीं लेते हैं, या जो क्रिमिनल्स हैं उनको अब लॉ से डर नहीं है. तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बात ज़रूर हो रही है कि अब समय आ गया है कि कुछ बदलाव लाने का. और शायद हमें ऑलवेज़ गवर्नमेंट्स को या लोगों को, लॉ मेकर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन आई थिंक समय आ गया है कि हम खुद ऐसी आवाज़ें उठाएं एंड वी ट्राई टू बिकम द चेंज दैट वी वॉन्ट टू सी हैपन. जी आपने सही कहा कि ऑफर्स तो काफ़ी कुछ मिलते हैं, और मैं शायद ये आई थिंक मधुर भी सहमत होंगे कि ऐसे लेकिन पिक्चरें कम मिलती हैं जहां आप अपने दिल से यू नो एक्चुअली सोचते हैं. क्योंकि मैं लोगों को बोलती हूँ ये हमारी बहुत छोटी सी फिल्म है, और आपने सही कहा कि बहुत ही ओवरवेलमिंग और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है इस फिल्म के ट्रेलर को. एंड लोगों तक ये मैसेज गया है, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो एक्चुअली डिस्कशंस और डिबेट्स चालू हो गई हैं इस मुद्दे को लेकर, और इस फिल्म के ट्रेलर को भी लेकर. तो कहीं ना कहीं ये यूथ को भी छू गई है ये बात कि अब ऐसा समय आ गया है कि अब बदलाव लाने का समय आ गया है. तो वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विथ दीज काइंड ऑफ मूवीज़. बाकी पिक्चरें तो आती हैं जाती हैं, हम करते हैं, लेकिन कहीं ऐसी एक पिक्चर जो लोगों तक पहुंचे, एक सोशल मैसेज, स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज पहुंचे, आई थिंक एवरी एक्टर ड्रीम्स ऑफ डूइंग अ फिल्म लाइक दैट. मैम के साथ काम करने का, वेल व्हेन आई वाज अ किड आई डिड अ फिल्म कॉल्ड कहीं प्यार ना हो जाए, जिसमें मैम भी थी एंड मैं था. सो बट आई डिडंट हैव एनी सीन्स विद मैम, एंड इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम टू गेट अ फिल्म विद हर, बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज यू नो ग्रोन अप वाचिंग. ये ड्रीम नहीं था कि ये फिल्म में से मार खाएगा. नहीं, ये ड्रीम तो नहीं था, बट इट्स ओके, कैसे भी चाटा पड़ा तो ठीक है. इट हेल्प्ड माय परफॉर्मेंस एंड इट वाज रियली ग्रेट. सो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हर ऑब्वियसली ग्रोइंग अप इन इंडिया. एंड मुझे मौका मिला एक ऐसी फिल्म में जिस विच ऑल्सो हैज अ सोशल मैसेज, एंड दिस इज माय फर्स्ट फिल्म दैट आई एम डूइंग इन अ डेकेड इन इंडिया. एंड सो आई वाज ऑल्सो वेटिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट टू कम अलॉन्ग, एंड व्हेन आई हर्ड दैट मैम इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आई वाज रियली एक्साइटेड. एंड सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू बी रियली बैड सो दैट शी कैन बी रियली गुड, एंड शी इज इन द सेम. सो या, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. Yeah, he's actually so bad that I look so good in the film. No, ma'am, it's because of her that I look worse. No, so. But I think this is a subject, jaise ki maine kaha, yehi hamari, you know, that's the youth that is talking, that agar sabko ye ek kahin pahunch rahi hai ye baat, that this is a film that we've made for a certain reason, for a certain cause. बहुत सारी ऐसी पिक्चर मुझे भी ऑफर हुई जो इतना चैलेंजिंग नहीं लगा एज एन एक्टर के मैं उनको हाँ कहूँ, लेकिन ये अपने आप में ही एक इतने हिला देने वाली फिल्म थी दैट आई थिंक बोथ ऑफ अस अग्रीड ऑन द स्क्रिप्ट एंड वी सेड ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए, लोगों को दिखानी चाहिए हार्श रियलिटी क्या है. नहीं तो हम ऑलवेज एज अ पब्लिक हम इंडिफरेंट लेंगे रहेंगे. अगर मीठी गोली हमको बार बार दी जाए, यू नो, यू बिकम इंडिफरेंट टू द थिंग, हाँ यार ये तो चीज़ें होती रहती हैं गाँव हमारे देश में तो होती रहती हैं, सो व्हाट्स अ बिग डील. बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू स्टॉप एक्सेप्टिंग दिस एंड एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. दीज यंगस्टर्स आर सो प्रोफेशनल, इट्स नॉट फनी. जैसे बेचारे ने कहा, एक्चुअली थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो गया था इसको, एक्चुअली मेरा जोर का थप्पड़ पड़ा है एक सीन में इस फिल्म में. एंड ही वॉज लाइक, नहीं मैम कोई बात नहीं, आप प्लीज़ मार दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप मार दीजिए मुझे. तो ये जो फटाक करके इसको बेचारे, senior and she's a legend, she, I had like, because I was really nervous, how am I gonna, during all those really scenes where we had to be very physical, but she made me really comfortable and I could also, so that my performance doesn't look fake, and so I would like to thank you ma'am, because I never did. Sweet, yeah.